जब भी ड्राइव करो तो थोड़ा सा सेफली ड्राइव करो कि किसी को कुछ ऐसा हो नहीं रहा। उसको बीच रास्ते से उठाया है और इतनी बुरी तरीके से उसको कुचला है ना, हम उसे साइड रख के आए हैं क्योंकि बाकी सारे बंदर भी आ गए। और कोई देख के भी ऐसा नहीं कर रहा कि हाँ गाड़ी रोके, हम उल्टा और चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, तो ऐसा करना सही नहीं है ना यार। जब भी तुम लोग कुछ ड्राइव करो तो देख लिया करो यार, ये यार इन लोग तो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, गाड़ियां रुकी नहीं रही है। ये देखो हम वापस से हम आ गए क्योंकि ये जो बंदर है ये आ गया था यार, बेचारा यार वो भी देख रहा है उसको, उसको हमने बेचारे को साइड रखा है, वो उसके साथ के उसको देख रहे। ज़ूम करो, चेक कर रहे हैं यार वो लोग कैसे देख रहे हैं यार उसको। मुझे लग रहा है उन्हीं का कोई मेंबर था यार वो, यार मतलब चलो अब क्या कर सकते हैं हम। छी यार मतलब, और उसका सिर रोड में पड़ा हुआ है यार, मतलब कम से कम तुम उठा तो दो अगर एक्सीडेंटली कुछ हो भी जाता है तो। मुझे मेरे को अजीब सा हो रहा है एकदम उसके वो देख के, मुझे उसको मुंह से खून निकल रहा था यार। तो गाइस आप लोग ने देख लिया कि क्या हुआ था, मैं आपको पूरी डीपली में बताती हूँ कि हुआ क्या था। हम शिवानी हमारी एक फ्रेंड है उसकी बर्थडे से हम आ रहे थे, तो फिर हम लोगों ने देखा मतलब एक बंदर का बच्चा था वो, तो बंदर का बच्चा हाईवे रोड में वो डोईवाला बाईपास देहरादून तो वहाँ पर पड़ा हुआ था। वो ऑलरेडी उस वो मर चुका था, किसी ने पता नहीं उसका एक्सीडेंट कर दिया था। उसके बाद भी फिर हम ना हम उसको हमने हम रुके वहाँ पर, हमने सोचा कि हम उसको उठा के साइड में रख देते हैं कि उसको और ज़्यादा मतलब वो डैमेज ना हो, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम उसको उठा के साइड में रख देते हैं। तो जैसे हम पत्ते वगैरह तोड़ रहे थे जैसे उसको उठाने के लिए, क्योंकि उसका पूरा खून वगैरह और उसके जो अंदर के जो इंटेस्टाइन है सब पूरा बाहर निकल गए थे, तो जैसे हम पत्ते वत्ते मतलब तोड़ने लगे तो फिर वैसे में क्या हुआ कि वो ऑलरेडी मरा हुआ है रोड में, और फिर एक गाड़ी आती है इतनी स्पीड से उस इंसान मतलब मैं क्या बताऊँ मतलब मरा हुआ है वो, सामने दिख रहा है कि बंदर मरा हुआ है, और उसने इतने जोर से ना पता नहीं उसको कहाँ जाने की इतनी जल्दी हो रही थी कि उसको सामने मरा हुआ बंदर भी नहीं दिखा, और उसने उसके ऊपर और गाड़ी चला दी। उस वक्त ऐसा हुआ ना हम लोगों को मतलब कि इतना गुस्सा आ रहा था ना कि क्या बताऊँ। फिर उसके बाद हम गए, हमने उसको उठाने के बाद हमने उसको साइड में रखा ना, और जब हमने उसको साइड में रखा ना तो उसके जो दो जैसे आपने वीडियो में देखा कि उस दिखाती हूँ मैं जैसे आपको आगे, तो उसके जो दो पता नहीं उसके मम्मी पापा होंगे शायद, ऑफकोर्स क्योंकि बच्चा छोटा था बंदर का, तो उसके मम्मी पापा थे वो आए, और उन लोग और जब हम लोग ने वो देखा ना कि वो जैसे जो बंदर का बच्चा वो पड़ा हुआ है और उसके मम्मी पापा आए और वो ऐसे कि हिला रहे हैं उसको कि मतलब हिला रहे थे उसको, और हम लोगों को ये देख के इतना बुरा लगा ना, मतलब ऐसा हो रहा था ना कि मतलब इतना तुम लोग इतने अंधे हो जाते हो यार कि मतलब सामने कौन है, सामने कौन सा जानवर है या फिर सामने से कौन आ रहा है, तुम्हें इतनी जल्दबाजी होती है किसी चीज़ की कहीं जाने की कि तुम उसके ऊपर गाड़ी चला दो। सेम ऐसे ही हुआ था जब हम आज तो वापस ही आ रहे थे हम, लेकिन हम कल हम लोग रात को गए थे, तो फिर उस टाइम हम लोग आगे को जा रहे थे वो इस तरफ को जो इस तरफ वाला मतलब राइट वाला रूट होता है, तो उस साइड में ना हम लोगों ने देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, और कहते वहाँ पर किसी कोई लड़का था जिसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी वहाँ पर, उसका पूरा ज़मीन में पड़ रखा था, उसके पूरी खून पूरा रोड खून हो रखा था, कोई भी उसको उठा नहीं रहा था। और मतलब वही चीज़ है ना कि इतना ज़्यादा पता नहीं तुम लोगों को किस चीज़ की जल्दी होती है। गाइस प्लीज़ बी सेफ, खुद की सेफ्टी भी रखो और साथ ही साथ उन एनिमल्स की भी रखो, रिस्पेक्ट करो एनिमल्स की, ऐसे करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो आज हुआ वो पता नहीं कितने एनिमल्स के साथ होता है, आज तो हम लोगों ने देखा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा अंधे मत बनो, और अगर गाड़ी चला रहे हो तो खुद की सेफ्टी भी देखो और एनिमल्स की सेफ्टी भी देखो। ये बेचारे कुछ नहीं बोल सकते यार, मतलब मुझे तो ये हो रहा है कि
जिस इंसान की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ, वो इंसान भी इतना बेरहम था कि लाइक उठा के साइड रख देता है यार। बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है मतलब। और मेरा मोटिव यही था इस वीडियो बनाने का कि मतलब आप लोग एनिमल्स की रिस्पेक्ट करो, खुद की लाइफ का भी रिस्क मत लो। कहीं भी जाने की इतनी जल्दबाजी हो रही है, कहीं जाने में लेट हो रहा है, प्लीज़ पहले चले जाओ या पहले टाइम से पहले निकल जाओ घर से। बट इस तरह से इतनी स्पीड से गाड़ी मत चलाओ और इतने अंधे होकर तो मत चलाओ कि तुम किसी और को हार्म करो, प्लीज़। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अब वीडियो एंड करती हूँ। प्लीज़ रिस्पेक्ट एनिमल और अपना भी ध्यान रखो और ड्राइव सेफली।